वो भी उस महादेव के आगे झुकता है, काल को भी जिससे डर लगता है वो महादेव के सामने भजता है, शिवा शिवम शिवा शिवम। पांचों तत्व भी जिसके आगे झुकते हैं, ये सारी कायनात जिसके आगे झुक के खड़ी होती है अदब से, वो महेश्वर शिव हमारे आपके जैसे एक एक व्यक्ति का, जन जन का गुरु हुआ है। आज तक के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई। गुरु ज्ञान के दाता है, शिव ज्ञान के दाता है। कहा जाता है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं, शिव ज्ञान देते हैं तो संसार का कोई भी गुरु प्रदाता कहलाता है, शिव से ज्ञान लेकर दुनिया के लोगों को बांटता है। कोई योगेश्वर के रूप में शिव की पूजा करता है और शिव के योगेश्वर रूप से जुड़ता है, कोई औढ़रेश्वर रूप से जुड़ता है, कोई महामृत्युंजय रूप से जुड़ता है, कोई महाकाल से जुड़ता है, कोई उमा के पति से भी जुड़ता है। देखिए एक ही महादेव के कितने अलग अलग रूप हैं, हमारे आपके भी हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ कभी देखते ही नहीं है, हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं। हमारे आपके बीच भी बहुत सारे रूप हैं, एक बार नहीं, आप एक ही समय में किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के मित्र, किसी के पड़ोसी, सब कुछ है एक ही बार में। पत्नी बुलाती है तो आप पति के भाव से उत्तर देते हैं, पुत्र बुलाता है तो पिता के भाव से उत्तर देते हैं। समय तो एक ही होता है, लेकिन जो जिस भाव से पुकारता है आप भी उसी भाव से उत्तर देते हैं एक ही समय में। साहब ने कहा कि अगर उस महेश्वर शिव के पास ये सारे रूप नहीं होंगे तो दुनिया में भी ये सारे रूप नहीं होंगे। तो महेश्वर शिव के भी अनेक रूप हैं, असंख्य रूप, और सारी ऊर्जा सारे रूप को लेकर वो शिव एक होकर बैठा है। आप जिस भाव से पुकारते हैं वो उसी भाव से उत्तर देता है। तो जैसे ही हम शिष्य भाव से उसको पुकारते हैं तो वो गुरु भाव से आपका उत्तर देता है, आपकी बात को सुनता है। जिस भाव से पुकारिए, साहब ने कहा कि भाव से ही वो उपलब्ध होते हैं, भाव से ही देवता उपलब्ध होते हैं। भावे न लभ्यते देवता, भावे न देव दर्शनम, भाव से ही देवता के दर्शन होते हैं, भाव से ही वो गुरु भी भाव सकता है। ये भाव क्या है? जन्मजात, जब भी हम जन्म लेते हैं, जन्मजात ही हमारे आपके बच्चे के अंदर सारे भाव होते हैं, लेकिन जन्म के साथ वो उसके मन में सोए होते हैं, सोए रहते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बोलने लगेगा, तो वो कहता है माँ, उसके अंदर पुत्र का भाव प्रकट हुआ है, माँ की तरफ से भी वो भाव उत्तर देता है, बेटा। थोड़ा सा बड़ा और होता है, पिता को बुलाता है, फिर धीरे धीरे सबको बुलाने लगता है। जिसको जिस भाव से पुकारता है उसी भाव से उत्तर मिलता है। समय के साथ वो उसकी उम्र बढ़ती है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, शादी होती है उसकी। शादी होने से पहले पति का भाव उसके अंदर सोया था, जैसे ही होती है ये बात कि उस लड़की से उसका विवाह होगा, उसके अंदर का वो भाव जो सोया हुआ था जन्म के साथ प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है, तो पति के भाव के साथ वो खड़ा हो जाता है। कोई लड़की हो तो पत्नी के भाव से खड़ी हो जाती है, उससे पहले वो भाव सोया हुआ था। और थोड़ा समय गुजरता है, वो दोनों भी माता पिता बनते हैं। देखिए जन्म के साथ ही
माँ का भाव, पिता का भाव उन दोनों के अंदर था, लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तब उसके अंदर से वो भाव जो सोया हुआ था वो सामने आता है, प्रकट होता है और वो ममता से भर उठता है, कहता है पिता का भाव, माँ का भाव प्रकट हो जाता है अपने बच्चे के लिए। देखिए ये सारे भाव हमारे आपके अंदर, एक इंसान के अंदर उसके जन्म के साथ ही उसके अंदर बीज रूप में, बीए के रूप में दबा बैठा रहता है। जैसा जैसा रूप सामने आता है वैसा वैसा भाव आपका प्रकट होने लगता है। जैसे ही वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, और हम लोगों ने इस बात को सुनकर कहा कि ये कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है कि वो महादेव जिसकी पूजा हम लोग आज तक करते रहे, जिसका जप, जिसकी आराधना हम करते रहे, लेकिन उसके नजदीक नहीं हो सके, वो गुरु के रूप में उपलब्ध है और मेरे बहुत नजदीक है। तो हम सबों ने अपने नाम की घोषणा की। पहले प्रारंभिक समय में उस समय ये तरीका था कि कम से कम 5 आदमी एक जगह होते थे और तब किसी व्यक्ति की घोषणा की जाती थी। सब कोई मिलके कहते थे कि भाई हाँ घोषणा की जाए, क्या आपने शिव को अपना गुरु माना है। जब वो व्यक्ति कहता था कि हाँ माना है, तब कहते थे कि घोषणा हो जाए, घोषणा होती थी। आज से और अभी से इस गुरु भाई ने या इस गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु माना है, शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में कृपया ये नाम दर्ज हो और जागा जागा महादेव के उद्घोष से वो आसपास का सारा माहौल गुंजायमान हो जाता था। लगता था कि जो आपके अंदर वो सोया हुआ भाव था, जन्म से ही था, शिव के लिए प्रेम का भाव भी जन्म से ही था, लेकिन जब तक सामने वो सत्ता नहीं आई आपका भाव प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही हुआ कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, और मेरे अंदर का भाव प्रकट हो गया, शिष्य भाव, गुरु के लिए समर्पण का भाव, गुरु के आदेश के अनुसार चलने का भाव। साहब ने कहा शिष्य की परिभाषा ये होती है, शिष्य गुरु के अनुसार चलना है, उसको गुरु के आदेश पे चलना है, गुरु के अनुशासन में रहना है। अब देखिए इस संसार में हम लोग रहते तो हैं, जीते हैं, शिव को गुरु भी माना है, लेकिन साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा कि अपनों की चिंता हमें सताती है। देखिए शिष्यानुभूति पे याद आया कि शिष्यानुभूति एक ऐसी किताब है जो साहब श्री हरिंदानंद जी के द्वारा अपनी अनुभूति शब्दों में लिखी गई है, लेकिन हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि कोई भी अनुभूति जो आप बोलते हैं या जो आप लिखते हैं वो पूरी तरह आप प्रकट नहीं कर पाते। किसी माँ से पूछिए कि लिख के बताओ कि तुम अपने बच्चे को कितना प्यार करती हो, क्या अनुभूति है तुम्हारी। वो माँ लाख लिखेगी लेकिन पूरी तरह अपने मन के भाव को नहीं लिख पाती है। तो शिष्यानुभूति एक झलक है शिष्य की अनुभूति के तौर पे, लेकिन पूरी तरह उस अनुभूति को पाने के लिए आपके मेरे मन को वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी के मन से मिलाकर चलना होगा, उनके नजदीक होना होगा, तब कहीं हम समझ पाएंगे। उस छोटी सी किताब को लिखकर 1990 में ये पहली बार छपी थी, उसके पीछे मूल्य लिखा। आप देखेंगे कि कोई भी चीज जब बनती है या कोई भी किताब जब छपती है तो उसके पीछे मूल्य लिखा जाता है, कुछ भी 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 500 रुपया। लेकिन शिष्यानुभूति के पीछे मूल्य क्या लिखा साहब ने, आप सबने पढ़ी है उसको, आप लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ा है,
अच्छा कहीं कहीं से पढ़े हैं, सुने भी हैं कि नहीं? मान लीजिए खुद नहीं पढ़ने आया, किसी से पढ़वा के सुना है? नहीं सुना है। किसी के पास हो तो देखिएगा। लेकिन इससे हम लोग को ये पता चला कि अभी भी बिहार में कम से कम साहब की अनुभूति, शिष्यानुभूति सबके पास पहुंचना जरूरी है, अभी तक नहीं पहुंची है। उसके पीछे साहब ने मूल्य लिखा, आपका शिव शिष्य होना।